फकिंग माइलस्टोन। एक ऐसी बंदी जो मैं भी डिजर्व करता हूं। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम लोग जिम जाने वाले हैं 4 बजे। आज मैं ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज एक स्पेशल दिन हो सकता है, क्योंकि आज मैं अपना डेडलिफ्ट जो कि मैंने थोड़े टाइम पहले से शुरू करी है करनी, वो उसका मैं PR करने वाला हूँ, PR मारने वाला हूँ आज। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब थोड़े टाइम से मेरा बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था वर्कआउट वगैरह करने का, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम फॉलो कर रहा था जो कि मैं 7 से 8 हफ्ते तक मैं रेगुलरली उस पर था, और मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था कि एक भी मैं डे ऑफ लूँ। तो मैंने वो बहुत कंसिस्टेंटली करा अपना वो प्रोग्राम जो भी था। लेकिन अब मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैंने आज के दिन तो PR करना ही करना है। वो वैसे मैं रेप वर्क ही करता हूँ, मैं कभी PR वगैरह नहीं हिट करता, लेकिन करते हैं यार, ये भी करना चाहिए। अब थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई करते रहने चाहिए अपनी, यू नो, मेल डोमिनेंस। बाकी देखो होता है नहीं होता, प्री भी शायद से लूँगा या नहीं लूँगा कुछ पता नहीं। कॉफ़ी पीऊँगा अगर प्री नहीं हुआ तो, अगर प्री हुआ तो प्री पीऊँगा। ये पता है मैं वो वाले असाइनमेंट्स कर रहा हूँ जो पिछले फोटो के ड्यू है, कुछ पढ़ता नहीं हूँ मैं। Cheers. तो अपने राजा बेटा हो चुके एकदम तैयार। बाकी अब बस निकल रहे हैं क्योंकि 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट है, और वहाँ पे जाके थोड़ी देर, आधा घंटा मैं थोड़ा वो माइंडसेट लेकर आऊँगा PR मारने का। तो थोड़ा सा प्री वगैरह पियेंगे, देखेंगे अगर लाएंगे भाई तो वील गेट इन टू द जोन। Yes, veins are coming out. Finally a fucking milestone. Let's go. Okay, mummy. पानी पी के जाइयो। रख लिया बाद में। आशीर्वाद दो मम्मी। आज मैं PR मारने जा रहा हूँ। थोड़े व्लॉग्स के बाद आपको ये इनके पास भी दिखेगा। अगर ऐसे भी पकड़ के रखना है ये भी यूज कर सकते हो, और स्टैटिक रखना है नीचे कहीं पे तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ये खुल भी जाता है। हाँ भाई, ये ऊपर ये लंबा छोटा हो जाता है जैसे इसका होता है सुबह सुबह। ये कितने का? अरे 200-400 रुपए का आएगा ये। थोड़ी सी सेविंग करनी पड़ेगी गाइस, एक हफ्ता मेरे को टाइट बजट पे रहना पड़ेगा। मुझे अंधेरे में भी इसमें लाइट वाइट पे जल जाती है। सही है यार। हैं तो भाई आज मैं फुल डे ऑफ ईटिंग बना रहा हूं। लाइट का रिलीज में सोच रहा हूं राहुल को ऊपर चलेगी, बहुत प्रोटीन है। तू क्या खा गया? एयो नो होमो नो होमो नो डिंचा को जा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमारे पास जिम है। यस नहीं भाई,
कोई बात नहीं भाई, बिच ही जाए तो तेरी बिचेस का। बिचेस नहीं है, दैट्स माय अदर होमो 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 फ्रेंड। भाई अपने मानव भाई ले आए हैं, मानव भाई हमारे स्पॉन्सर्ड एथलीट है मसल ब्लेस के। और अगर तुम लोग इफ मसल ब्लेस इज कोड मानव एमबी लगाना, एंड इफ मसल ब्लेस इज वाचिंग दिस आ जाओ मेरे पास। कितने एमजी इसमें? 200 है इसमें, कम है। Should I take one or जितनी चाहिए उतनी करो भाई। और क्या, 100 मारेगा लेकिन पीआर अटेम्प्ट लिखेगा 200 kg। कितना कुत्ता आ गया भाई। पर भाई 200 ही जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, जो लिख रहा हूँ वही जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 200 लिखेंगे। इसको प्रोटीन डाल के यूज कर सकते हो, मतलब प्रोटीन के लिए। प्रोटीन जब ये खत्म हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास भी स्पॉन्सरशिप होगी। वन डे मैनिफेस्टिंग इट राइट नाउ, इसी साल होगा भाई। ये ब्लॉग्स भाई, मेरा नीचे जाने का तो मन कर नहीं रहा, वॉर अप करने का। तो सोच रहा हूँ यहीं पे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लूँ। अरे यहीं पे थोड़ी बहुत, मैंने पिछली बार भी ये भी तो करी थी। अभी ऑफ कैमरा स्ट्रेचिंग होगी रॉड के साथ थोड़ी वो तो मेरी जी। जैसे बस अब मैं 190 का सोच रहा हूँ कि 190 जाऊँ, लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं सोच रहा हूँ बस 200 पे फोकस करके उस पर टारगेट करूँ। देर से रेस्ट हो गया, कम से कम 5-10 मिनट तो आराम से हो गए होंगे। अब देखो बस चलो चलो Thank you.
तो भाई एकदम सेक्सी, ओए चुप रह, एकदम सेक्सी अपना जिम हो चुका है। क्यों भाई? बढ़िया भाई, ओके रिपोर्ट, एक नंबर। और अब जा रहे हैं अपन घर। भाई हमको ऐसे देख रहा घूर के, कोई भाई अच्छे लोगों को घूरा ही जाता है। हाँ ऐसे होता है ना, इनको देख के लोग अंधे हो जाते हैं पहले। नहीं भाई अभी बंदा क्यूट है, इस पे बहुत भाई, इसपे भाई इस पे बहुत लड़कियां भाई, जिम की भी बहुत लड़कियां फिदा है इस पे, पर वो इसको भाई बना लेती है। एक एज की लड़कियां, स्टेप ब्रदर। लेकिन भाई यही है, चलो घर चलते हैं, घर पे मिलते हैं। अभी बना रहा हूँ यार, पता है क्या, अभी 180 किलो की डेडलिफ्ट मार दी मैंने, पर ये है कि 200 किलो फेल हो गया, 200 किलो फेल हो गया यार, दर्द हो रहा है मेरे को, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा दुख कि मेरी 200 किलो फेल हो गई, जो मैंने सोच के गया था। पर कोई बात नहीं, 180 भी तो पहली बार ही मारा है, बेसिकली मेरा PR वही था, लेकिन चलो कोई नहीं, 200 ही मारूंगा 2 महीने बाद। टारगेट लेके चलता हूँ, टारगेट होना चाहिए, चाहे कुछ भी तुम करो, तुम्हारा अगर टारगेट नहीं है, हमारा फोकस नहीं है कि तुमको जो चीज़ अचीव करनी है, बस वही करना चाहिए। बोल रहा है तो बस यार मैं बोल नहीं रहा, करके भी दिखाऊंगा इसको, क्या पता बस हो जाएगा, लेकिन वी गोना मेक इट। एंड द फैक्ट दैट जब मैं 200 किलो का अटेम्प्ट ले रहा था ना, पता है पूरी के पूरा पूरा जिम वहां पे आ गया था देखने, स्पीकर्स भी ऑफ हो गए थे और पूरा जिम वहां पे बैठा हुआ था कि भाई देखना है कि चल लगता है नहीं लगता, और प्रेशर भी था थोड़ा बहुत दिमाग पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फेल हो गया है, आएगा जरूर आएगा। क्या कह रहे हो? अच्छा आएगा भाई, आएगा, 200 भी आएगा, 180 भी तो आया ना, उसकी तरफ वर्क करेंगे, आएगा 200 भी। बाकी चलो आज के लिए इतना ही, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग पसंद आया हो, जितना भी मैंने डाला हो, हाँ अगर तुम, अच्छा 500 का नोट पाया है इसको। एनीवेज गाइस, अगर तुमको अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अगर तुमको करना है तो सब्सक्राइब भी कर दो अगर तुमने नहीं करा तो, क्योंकि अपना मेन गोल तो यही है, अगर तुम्हारा मेन गोल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा, थोड़ा सा मुंह धोऊंगा, तो यस बाय, जय श्री राम।